जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, आप इस प्रकार की वीडियो कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक वीडियो जो मैंने बनाई है। तो इस प्रकार की वीडियो आप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम में आना है और प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद में रील पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप कैमरे का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से गाइड क्या आएगी, आपको अपने कैमरे के आगे उंगली लगा लेनी है और इसको आपको रिकॉर्ड करना है, भले एक स्क्रीन होनी चाहिए, ध्यान रखना कुछ इस प्रकार। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जितनी चाहे आप उतनी रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। उसके बाद हमको नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यहाँ पर इमोजी वाला ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा डाउनलोड के इधर साइड में, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको इसमें सर्च करना है कपल रैन, तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ। और जो नीचे GIF आएंगे तो इनमें से हमको क्या आएगी सेलेक्ट करना है। तो इसमें और भी काफ़ी सारे हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर मैं एक कर लेता हूँ, इसमें दूसरे नंबर का कर लेता हूँ नीचे। यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है और दो उंगलियों की सहायता से इसको मैं जूम कर लेता हूँ और नीचे इसको ले आता हूँ। उसके बाद मैं गाइस दोबारे यहाँ पर पहले इसको एडजस्ट कर लेता हूँ अच्छी तरह, आपको भी अच्छी तरह आपको अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में दोबारा वहीं पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर हमको क्या है कि इसमें दूसरा सर्च करना है, और तो यहाँ पर मैं इसमें सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर जो कपल है इसको मैं हटा देता हूँ और इसके आगे क्लाउड लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, तो यहाँ पर हो गया क्लाउड रैन, ठीक है। तो ये हो गया, तो नीचे आना है, यहाँ से आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैं दूसरे नंबर का कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसको जूम कर लेना है दो उंगलियों की सहायता से, तो इस प्रकार से जूम हो जाएगा और ये बन के हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन दिया गया है एक म्यूजिक वाला, तो इस पर क्लिक कर हम यहाँ से म्यूजिक भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सेव कर रखा तो वो भी डाल सकते हैं इसमें, या सर्च भी कर सकते हैं जैसा चाहें आप कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक डाल रहा हूँ, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आप ये वाला डालिए छतरी ना खोल बरसात में, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद में आपको अपने हिसाब से यहाँ पर इसको सॉन्ग को एडजस्ट करना है जहाँ पर से आप चलाना चाहते हैं। तो ये आप अगर इसको आगे पीछे भी करना चाहें तो आगे पीछे भी हो जाता है ये, ठीक है। जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, देख लीजिए आप इस प्रकार से, तो आप कर सकते हैं इस प्रकार से करना चाहें तो। उसके बाद में एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है आपको ऊपर कोने में राइट में, तो इसको सेव विदाउट म्यूजिक होगा, इसको सेव कर लेना है, ठीक है। अब जहाँ पर सबसे पहले अगर आप इसको यूट्यूब में डालना चाहते हैं तो आपको म्यूजिक लगा लेना है, उसके बाद में आपको इसको सबसे पहले यूट्यूब में अपलोड कर देना है, और उसके बाद में यहाँ पर आप इसको आसानी से अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग चल रही है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हो चुकी है, जैसे देख सकते हैं वीडियो सेव हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में इसमें आपको देख लीजिए, तो यहाँ पर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, टाइटल वाइटल कुछ भी देना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, और कुछ हैशटैग लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आसानी से ये वाली वीडियो बना सकते हैं। तो कुछ वीडियो में इतना ही है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है ना तो वीडियो क्लिक करना एक लाइक और चैनल करना सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम से रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जय हिंद, वंदे मातरम।